जब भी स्नैक्स की बारी आती है, सबसे पहले हमें ध्यान आता है मठरी की। मठरी एक ऐसी चीज़ है, ये स्नैक्स के तौर पे या चाय के साथ नाश्ते के तौर पे ली जा सकती है, या हम आप कभी भी बाहर ट्रेवल पे जा रहे हों इस तरह से मठरी बना के रख के ले जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है ट्रेवल में भी। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और ये दो प्रकार से बनाई जाती है, गेहूं के आटे से और मैदे से। तो मैं इसे बहुत हेल्दी तरीके से बनाऊंगी, गेहूं के आटे से, एकदम क्रिस्पी और खस्ता, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है मेथी। मेथी को मैंने एकदम अच्छे से साफ करके, पानी को सुखा के, एकदम बारीक बारीक काट के लिया है। इसमें मैंने डंठल बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, केवल पत्ते ही पत्ते डाले हैं, और इनको भी मैंने जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट लिया है। अब हम लेते हैं एक कढ़ाई या पैन, तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है तो इसमें कटी हुई मेथी डाल देते हैं। इसको हम हल्का सा भून लेते हैं, केवल 2 मिनट भूनेंगे इसको हम मीडियम गैस पे। इस तरह से इसका कच्चापन भी नहीं रहेगा, और ये जो हम कभी कभी कहता है मेथी कड़वी लगती है, इस तरह से बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। 2 मिनट हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से भुन गई है मेथी। देखिए ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। अब हम कर देंगे गैस को बंद, इसको साइड में रख लेंगे। अब इधर एक परात में मैंने लिया है 3 कप गेहूं का आटा। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। अब मैंने आधा कप लिया है घी। घी को आटे में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से बाइंडिंग करेंगे तो ये आटा इस तरह का होना चाहिए, बॉल की तरह। अब हम इसमें ये भुनी हुई मेथी डाल देते हैं, और मेथी डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 2 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल बहुत हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही कैल्शियम वाले होते हैं, इनको हम इस तरह से डालेंगे और ये मठरी का स्वाद बढ़ा देते हैं, और क्रंची जो मुँह आएंगे बहुत ही अच्छा लगता है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और आटा गूंथ के तैयार करेंगे। आटा हमें नॉर्मल रोटी या पराठे के लिए बनाते हैं, उसी तरह से आटा गूंथ के तैयार करना है। तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है, इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा आटा। 10 मिनट हम इसी को रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए एक और चीज़ बना लेते हैं। एक कटोरी में हम डालेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और अब हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच घी। तो मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, 3 चम्मच ही घी डाल देते हैं। आप कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा भी ले सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा, देखिए। बस हमें इसे ऐसा ही बना के छोड़ देना है। अब 10 मिनट हो गए हैं आटे को ढके हुए, इसके हम छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार करेंगे। इस तरह से सारी लोई बना के मैंने तैयार कर ली है। अब हम एक इसमें से लोई उठाएंगे और इसको हम बेल लेते हैं रोटी की तरह, सूखा आटा लगाने के बाद। ये देखिए, ये मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब मैंने जो कॉर्नफ्लावर और घी से ये बना रखा था इसका मिश्रण, इसको हम इस पराठे के ऊपर लपेटेंगे और इसे इस तरह से मोड़ लेते हैं, और सूखा आटा लगाने के बाद हम इसे फिर से बेल लेते हैं। फिर से बेल लिया है, और फिर से हम इसके ऊपर ये स्लरी लगाएंगे कॉर्नफ्लावर और घी वाली, और थोड़ा सा फिर से हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे, और इसे फिर से हम इस तरह से मोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी लेयर वाली मठरी बनानी है हमें। और फिर से हम इसको बेल लेते हैं इस तरह से। बस अब हम इसको बीच में फिर से लगाएंगे कॉर्नफ्लावर और घी वाली सैलरी को, थोड़ा सा और इसके सूखे आटा डालेंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे, हल्का सा इसे दबाते हुए, ये दबाते हुए इसे बराबर कर लेंगे। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं इस तरह से, देखिए। ये देखिए, इसकी बहुत ही अच्छी लेयर बनेगी। अब जब इसको हम काट लेते हैं, इसको रख लेते हैं प्लेट में, और इसी तरह से और मठरी को भी बना के तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है तो अब हम इसमें मठरी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो।
और डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए टच नहीं करेंगे, नहीं तो ये बिखर जाएंगी। जैसे हल्का सा कलर चेंज होने लगे, फिर हम इसे उलटते पुलटते बहुत अच्छा सा कलर आने तक फ्राई होने देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है। तो मटरी हमारी बन के तैयार हो गई है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, अभी ये गर्म है। जब हम इसे तेल से निकालेंगे और कलर डार्क होगा इसका, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम सारी मटरी निकाल के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जो मटरी हमने बनाई थी सब ही हमने इनको फ्राई कर लिया है। इस तरह से हमारी सारी मटरी बन के तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची मटरी बनेगी। तो इसे हम 15 दिन तक का स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 15 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगी। और जब भी आपको इस तरह से स्नैक्स से बनाना है तो फटाफट से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और आप इसे ट्रेवल में जा रहे हो तो ले। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी मठरी बन के हमारी तैयार है। तो इसको बनाना कितना सिंपल है और कितना आसान है। ये देखिए आप इसे 15 से 20 दिन तक का स्टोर करके रख सकते हैं। ये तब तक बिल्कुल खराब नहीं होती है और आप इसे स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।